नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन पैरामेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टडी विद रितेश में। इसके पहले आपने देखा, हम परसेंटेज की लेक्चर सीरीज़ को देख रहे थे। यहाँ पे हम पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाले PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उनका आंसर जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ पे फिर से हम कुछ न्यू टेक्निक्स सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ अब तक की सारी क्लासेस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आपने सारी चीज़ों को अपने कॉपी में नोट किए होंगे और आप कंटिन्यू चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस लेक्चर सीरीज़ में और हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो सीखा था, हमने चीज़ों को परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने सीखा था और हमने इसी का उल्टा फ्रैक्शन से चीज़ों को परसेंटेज में बदलने सीखा था, यानी प्रतिशत से चीज़ों को कैसे भिन्न में बदला जाए और भिन्न से कैसे चीज़ों को प्रतिशत में बदला जाए, हमने ये सीखा था। तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर पे जिस टाइप का या जिस प्रकार का क्वेश्चन देख सकते हैं, वो तो ऐसा हो सकता है कि वो डायरेक्ट आपको पूछ ले कि एक संख्या दे दे, ठीक है, और आपको कहा जाए कि इसको प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदल के बताइए। ये एक प्रकार का क्वेश्चन आप देख सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा आप देख सकते हैं कि कैसे आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कोई भिन्न आपको दे दे और आपको क्वेश्चन में या सवाल में आपको पूछे कि इसको कैसे प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले हम उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं जो हम अपने इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी जिसको हमने प्रैक्टिस किया, हमारे लेक्चर सीरीज़ वन और लेक्चर सीरीज़ टू में जिसको हमने सीखा था। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे टाइप वन और टाइप टू क्वेश्चंस को सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं। अगर एग्ज़ाम पेपर में आपको सीधा सा एक कोई डिजिट दे दे और पूछे कि इस परसेंटेज को आपको भिन्न में बदलना है, आपको अगर एग्ज़ाम पेपर में ऐसा दे दे कि 20%, जाहिर सी बात है इतना सहज इतना सरल डिजिट तो आपको देगा नहीं। डिजिट तो आपको कुछ कठिन सा ही देगा, लेकिन मैं एक सरल सा डिजिट लेके आपका PYQ को शुरू करता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि इसको अगर आपको भिन्न में बदलना है, कोई किसी भी प्रतिशत को अगर आपको भिन्न में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको 100 से भाग देंगे। तो 20 को अगर आप 100 से भाग देंगे, इसको अगर आप काटेंगे तो ये आएगा 1/5। इसी के साथ अगर आप 30% को बदलेंगे तो क्या करेंगे, 30 के साथ 100 को भाग देंगे, ये आएगा 3/10। अगर आप 40% को बदलेंगे तो आप क्या करेंगे, आप 40/100 करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, शून्य से शून्य काटेंगे, यहाँ 2 काटेंगे, यहाँ 5 काटेंगे, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 2/5, ये आ जाएगा हमारा 2/5, ठीक है। अगर आपको 100% इसको आपको भिन्न में बदलने बोले तो आप क्या करेंगे, सीधा सा जो हमारा टेक्निक है आप उसी को फॉलो करेंगे, उसको 100 से भाग दे देंगे तो ये आएगा 6। अगर आपको कहे कि 6/2/3%, अब इसको बदल के बताइए, तो आप क्या करेंगे, 3 को आप ऐसे लिखेंगे जैसे था, 3 के साथ 6 का गुणा करेंगे, ये आएगा 2 का जोड़ करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 20/3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे को 100 से भाग देना है, तो हम इस पूरे को 100 से भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 20/3 × 100, शून्य से शून्य कटेगा, 2 से 10 कटेगा, तो 5 आएगा, तो ये बनेगा 1/15, ठीक है। अगर आपको कहा जाए 16/2/3%, इसको आप बदल के बताइए, क्या करेंगे आप नीचे 3 लेंगे, गुना में आप एक ही बार 100 कर देंगे, ठीक है, यहाँ आप इसको 16 के साथ 3 को गुना करेंगे और 2 को जोड़ देंगे, ये आएगा 48 जोड़ 2, नीचे आएगा 3 × 100, ऊपर आएगा 50, नीचे आएगा 3
गुना में 100, इस 50 के साथ इस 100 को काटेंगे तो ये आएगा 1/6, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि 14 सहित 2/7%, इसको बदल के बताइए, आप लिखेंगे 7, ये गुना में 100, 14 के साथ आप 7 को करेंगे गुना और 2 को आप जोड़ेंगे, तो ये आएगा 98/2, नीचे आएगा 7 गुना में 100, ठीक है। ऊपर आ गया 100, नीचे आएगा 7 गुना में 100, 100 के साथ आप 100 को काट देंगे तो ये आएगा 1/7, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने कैसे चीज़ों को परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदला, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिल सकता है कि आपको परसेंटेज दे दिया गया है और आपको सवाल में बोला जाए कि आपको इसे भिन्न में बदलना है, तो आप सक्षम हैं कि कैसे इसको बदलना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसी का जो उल्टा वाला सवाल है, हमारा टाइप टू का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चीज़ों को कैसे फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदलना है, हम वो देखते हैं। अगर आपको सवाल में बोला जाए 1/5, ये एक भिन्न है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, इस 1/5 को आप 100 से गुना करेंगे, तो 1/5 को अगर आप 100 से गुना करेंगे, ये नीचे 5 है, इसको आप 100 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 20%। 1/4, ठीक है, हम 1/4 को बदलते हैं, इसको हम 100 से गुना करते हैं तो ये आएगा 25%, ठीक है। यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, यही क्वेश्चन आप सही से अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, है ना। अगर 1/6 है, इसे हमें बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 1/6 गुना में 100, ठीक है। अब 6 को 2 से काटेंगे तो ये आएगा 3, इसको हम 2 से काटेंगे तो ये आएगा 50, ठीक है। ये कितना आएगा, ये आएगा 50/3, ठीक है। हम क्या करेंगे, 50 को भाग देंगे 3 से, 3 ये आएगा 2, ये 0, ये आएगा 6, ये आ गया 18, ये आ गया 2, ठीक है। तो ये बना 16 सहित 2/3%, ठीक है, 16 सहित 2/3%, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट ऐसा सवाल परसेंटेज चैप्टर से पूछ सकते हैं। ये बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन अधिकतर बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे या बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे, दूसरे क्वेश्चन में टाइम बचा नहीं पाएंगे, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर सवाल आपको कुछ इस तरीके से दिया जाए, 3/8, ठीक है, अब इसको आपको बदलना है, तब क्या करेंगे, 3/8 गुना में आप करेंगे 100, ठीक है। यहाँ अगर हम 4 से काटते हैं तो ये 2 आ गया, ये आ गया 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 के साथ 25 का गुना करेंगे और 2 से उसे भाग देंगे तो ये आएगा 75/2, इसे अगर आप भाग देंगे तो ये आएगा 37.5%, और 37 सहित 1/2%, ठीक है। अगर आपको सवाल में दे दे 3/5 आपको निकालना है, तो एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 3/5 गुना में 100, ठीक है, 5 से हम 100 को काटेंगे तो ये आएगा 20, तो 3 को हम 20 से गुना करेंगे तो ये आएगा 60%, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखिए, 3/5, इसे हम लिखेंगे 3 गुना में 1/5, ठीक है, 3 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/5 का वैल्यू क्या होता है, अगर आप लेक्चर, पुराने लेक्चर हमारे याद कर सकते हैं, तो आपको पता होगा कि हमने एक टेबल बनाया था, वहाँ पे 1/5 का वैल्यू था 20%, तो ये 3 के साथ 20% को गुना करेंगे तो ये बनेगा 60%। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ये मेरी आपसे निवेदन है कि आप चाहें और डायरेक्ट लेक्चर 7 ना देखें, लेक्चर 1 से आप शुरू करें, उसके बाद आप धीरे धीरे लेक्चर 7 में पहुँचें, आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी और आप चीज़ों को रॉकेट की रफ्तार से सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है।
अगर मैं आपसे कहूँ आप मुझे 4/5 को भिन्न को आप प्रतिशत में बदल के बताइए, तो आप लिखेंगे 4 × 1/5, ठीक है। 4 × 1/5 का वैल्यू है 20%, तो ये 20%, तो ये बनेगा 80%, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ आप मुझे 4/9 इसका वैल्यू बताइए, तो आप मुझे क्या बताएंगे, 4 × 1/9। 4 को हमने ऐसे ही लिख दिया। अब 1/9 का वैल्यू अगर आपको याद होगा टेबल से, तो वो क्या है, 1/9 का वैल्यू है 11 सहित 1/9%। 4 को 11 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 44, ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 9, ठीक है। ये बन गया हमारा जवाब। तो आपने देखा कि हमने अपने PYQ टाइप 1 में क्या किया, परसेंटेज से चीज़ों को फ्रैक्शन में बदला। टाइप 2 में हमने क्या किया, फ्रैक्शन से चीज़ों को परसेंटेज में बदला, ठीक है। अभी तक हमने 2 टाइप के PYQ देख लिए, और इसके पहले हमने टोटल 6 क्लासेस किए हैं, जिसमें से 4 क्लासेस पूरा पूरी डेडिकेटेड है या समर्पित है क्वेश्चंस को, जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आपके PYQs ही हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जो पिछले वर्ष आ चुके हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें। अब हम कुछ नए प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके लिए नए होंगे। हम आपको उसे सॉल्व करने का टेक्निक बताएंगे और कैसे उसे कम समय में सॉल्व करना है आपको ये सिखाएंगे। उम्मीद करते हैं आप इसको उपभोग करेंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ में आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के पहले मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। पहले तो मैं आपको जनरल टर्म में बताता हूँ, जनरल टर्म में आप समझ जाएंगे तो उसके बाद हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे या क्वेश्चन पे जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, ठीक है, और ये आपके बड़े भाई हैं, ठीक है। ये मैंने क्या कहा, मैंने अभी 2 चीज़ कहा, ये आप हैं, ये आपके बड़े भाई हैं, ठीक है। आपके बड़े भाई के पास 5 रुपए हैं, कितने हैं? आपने कहा सर मेरे बड़े भाई के पास 5 रुपए हैं। चलिए बहुत अच्छा बात है। अब क्या हुआ, अब आप अपने बड़े भाई से कुछ ख़रीदने के लिए, मान लेते एक पेन ख़रीदने के लिए, आपने अपने बड़े भाई को बोला कि आपको 1 रुपए की ज़रूरत है, ठीक है। अभी तक हमने 2 चीज़ कहा, आप हैं और आपके बड़े भाई हैं, आपके बड़े भाई के पास कुल 5 रुपए हैं। आपने कहा कि आपको कलम ख़रीदने के लिए या पेन ख़रीदने के लिए 1 रुपए की ज़रूरत है, तो आपके बड़े भाई ने आपको 1 रुपए दे दिए, ठीक है। कितने दे दिए, आपके बड़े भाई ने आपको 1 रुपए दे दिए, ठीक है। आपके बड़े भाई के पास टोटल कितना था, तो आप बोलेंगे सर बड़े भाई के पास टोटल 5 था, ठीक है। आपके बड़े भाई ने आपको कितने दे दिए, सर मेरे बड़े भाई ने मुझे 1 दे दिए, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा छोटा करके लिखूं, आपके बड़े भाई के पास कुल 5 थे, आपके बड़े भाई ने आपको 1 दे दिए, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि आपके बड़े भाई ने आपको कितना प्रतिशत पैसा दे दिया, अगर मैं आपको कहूं कि आपके बड़े भाई ने आपको कितना प्रतिशत पैसा दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा कि आपके बड़े भाई के पास 5 रुपए थे, आपके बड़े भाई ने उस 5 रुपए में से 1 रुपए आपको दे दिए। अब मैं बोला कि कितना प्रतिशत पैसा दे दिया, तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ को अगर प्रतिशत पे बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, ठीक है।
एक बटे पाँच गुना में 100। इस 5 को अभी 100 से काटेंगे तो 20। तो आपके बड़े भाई ने आपको उसका टोटल का 20% पैसा दे दिया, ठीक है। आपके बड़े भाई ने आपको उसके पास जितने भी पैसे थे उसका 20% पैसा दे दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ 40 इज 10? 60 का कितना प्रतिशत 10 है, ठीक है। सॉरी 60 नहीं, 40। 40 का कितना प्रतिशत 10 है? अब हमेशा दो चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ रहे हैं तो ये जो का है इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो ये जो ऑफ है आप इस ऑफ को ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको क्या क्या ध्यान देने को कहा, एक तो अगर आप चीज़ों को हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आप इसको ध्यान दीजिए, अगर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आप इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि यही दो वर्ड्स हैं जिसके मदद से आपका क्वेश्चन 2 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है 40 का कितना प्रतिशत 10 है, ठीक है। 40 का किसका, तो आपने मुझे कहा 40 का, ठीक है। अगर मैं कहूं कि आपके बड़े भाई के पास 40 रुपये था, ठीक है, और आपके बड़े भाई ने आपको 10 रुपये दे दिए, आपके बड़े भाई के पास 40 रुपये थे और आपके बड़े भाई ने आपको 10 रुपये दे दिए, तो क्या आप ऐसे नहीं कर देंगे, ठीक है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, जिस डिजिट के साथ का है, जिस डिजिट के साथ क्या का है या जिस डिजिट के साथ ऑफ है, जिस डिजिट मतलब जिस संख्या के साथ, तो यहाँ किसके साथ है, 40 के साथ। तो जिस डिजिट या संख्या के साथ का वर्ड है उसको हम लिखेंगे नीचे, ठीक है, वो हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। ये हो गया कुल टोटल, 40 का कितना प्रतिशत 10 है, ठीक है। ऊपर में कितना लाना है हमें, ऊपर में लाना है 10। अब इसको हमें किस में लाना है, प्रतिशत में या परसेंटेज में। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे 100 से गुना, शून्य से शून्य कटा, 4 से अगर हम 100 को काटेंगे तो ये आएगा 25%। 40 का कितना प्रतिशत 10 होता है, तो 40 का 25% 10 होता है, ठीक है। आप देख लीजिए, अगर हम ऐसे इसको निकालें तो आ रहा है, देखिए हमने 40 का 25% निकाला तो 10 आ रहा है ना। तो हमने इस क्वेश्चन पे यही किया है। अगर आप ऊपर देखेंगे कि हमने इस क्वेश्चन पे क्या किया है, तो हमने कुछ नहीं किया, जिसका का जिसको निकालने को कहा था, जिसके साथ कहा था उसे हमने नीचे लिख दिया, और कितना निकालना था, 10 निकालना था तो 10 को ऊपर लिख दिया, और उसको प्रतिशत में बदलने के लिए हमने 100 से गुना कर दिया, बस हमने इतना ही किया था। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर से एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है आपके समझदारी को और मजबूत बनाने के लिए। क्या कहा गया है, तो अगर आप देखेंगे ये कहा गया है, व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 20? 20 60 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये का वर्ड किसके साथ है, 60 के साथ है, ये ऑफ वर्ड किसके साथ है, 60 के साथ है, ठीक है। तो हमारे पास कुल कितना है, टोटल बड़े भैया के पास टोटल कितना है, बड़े भैया के पास टोटल 60 है। बड़े भैया ने आपको कितना दे दिया, बड़े भैया ने आपको 20 दे दिया, ठीक है। इसे हमें किस में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। प्रतिशत में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चीज़ों को 100 से गुना करना पड़ता है, ठीक है। 20 को हम 100 से काटेंगे तो ये आएगा 3, ठीक है, ये बन गया 100/3। ऐसे तो 33 से 1/3% आता है, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। 3/100, 9, 3, 9,
ये मैं एक लिख दिया बटे 3 प्रतिशत, कितना 33 सही, 1/3%। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, बस यहाँ पे क्वेश्चन का जो भाषा है उसे थोड़ा सा बदल दिया गया है। ठीक है, वाई का 80%, ठीक है, वाई का 80%। यहाँ जो चीज़ ध्यान देने वाला है वो है वाई का 80%, एक्स है तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई है। क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे कहा गया है वाई का 80% एक्स है, ठीक है, ये कॉमा यहाँ नहीं, यहाँ आएगा, तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई है। ठीक है, वाई का 80% एक्स है तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई है। वाई का 80% एक्स है तो एक्स का कितना प्रतिशत, इफ एक्स इज 80% ऑफ वाई देन व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। ठीक है, हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन की भाषा के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन में क्या कहा गया। वाई का तो हम यहाँ 80% निकालना है ना, वाई का 80% एक्स के समान है तो कुछ नहीं करना है, का मतलब गुना होता है, 80 एक्स है तो एक्स कर दिया हमने। ठीक है, इसे हमने काटा 20 से तो ये आया 4, ये बना 5, 4/5 वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम करेंगे इसको वाई बाई एक्स। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू है, वाई बाई एक्स का मतलब हो जाएगा आपका 5/4, ये उलट गया ना, ये वाई था तो इसको हमने वाई बाई एक्स किया तो ये बन गया 5/4। ठीक है, अगर आप कहेंगे सर आपको आपने इसको ऐसे क्यों उल्टा दिया, तो अगर आप देखेंगे, अगर आप क्वेश्चन पे नज़र देंगे तो हमें क्या निकालना है, एक्स का, तो जिसका हमें का निकालना होता है उसे हमें हमेशा नीचे रखना होता है, तो इसीलिए हमने इसे उल्टा दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत में निकालना है ना, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इस 5/4 को 100 से गुना कर देंगे, तो इसको काटेंगे तो ये आएगा 25, तो 5 के साथ हम 25 को गुना देंगे तो ये बनेगा 125%। कुछ बच्चों को अगर समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन मैं फिर समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए भाषा के साथ आगे बढ़िए, वाई का 80% एक्स होता है, तो सबसे पहले वाई का अगर हम 80% निकाल लें वो किसके समान है, एक्स के समान है, तो वाई का 80% निकालते हैं, 80/100 गुना में एक्स, ये बन जाएगा 4/5 = 100। अब हम इसे क्या करेंगे, अब इसे हम वाई बाई एक्स कर देंगे, वाई बाई एक्स, तो हमने वाई बाई एक्स क्यों किया, वाई बाई एक्स हमने इसलिए किया क्योंकि एक्स का हमें निकालना था। ठीक है, एक्स का हमें निकालना था तो एक्स का निकालना था तो एक्स नीचे आएगा इसीलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, तो इसे हमने ये हो जाएगा 5/4। अब हमें किस में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है, कुछ नहीं करेंगे, 5/4 को हम कर देंगे 100 से गुना। ठीक है, तो ये इससे कटेगा तो ये आएगा 25, तो 5 के साथ अगर 25 का गुना करेंगे तो ये बनेगा 125%। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल बड़ा दिलचस्प है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो कहा गया है किसी संख्या का 20% 120 है। ठीक है, मतलब कहा गया है कि उसका जो 20% है ना, मान लीजिए संख्या अगर एक्स है उसका जो 20% है वो 120 है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% ज्ञात करें। अगर ऐसा है, ठीक है, इफ अगर ऐसा है, यदि ऐसा है, तो
एक्स इंटू 120% क्या होगा, आपको सवाल में ये पूछा गया है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ क्या पूछा गया आपसे। आपको बोला गया है किसी संख्या का 20%, तो अगर संख्या x है तो उसका जो 20% है वो 120 है। ठीक है, ठीक है, तो उस संख्या का 120% ज्ञात करें, उस संख्या का 120% ज्ञात करें। अगर ऐसा है तो x गुना में 120% कितना है, अगर ऐसा है तो ये कितना है। ठीक है, हमें यही निकालना है, तो कुछ नहीं, हम ये निकाल लेते हैं बड़ा ही सिंपल से। तो किसी संख्या का, तो मान लेते हैं संख्या जो है वो संख्या है x, उसका 20%। ठीक है, 20% 120 है। ठीक है, x आ गया, ये आ गया 20/100, 120। ठीक है, तो इस 20 को अगर हम 100 से काटें तो ये बना 1, ये आया 5, तो ये बना 1/5, 120। ठीक है, x बन मतलब बन गया 120 गुना 5, तो ये बन गया 600। x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान आ गया 600। अभी क्या ज्ञात करना था, उस संख्या का 120% ज्ञात करें। तो संख्या हमने क्या पकड़ा था, संख्या हमने पकड़ा था x, x का 120% ज्ञात करें, x गुना में 120/100। x का वैल्यू हमने कितना निकाला है, तो आप बोलेंगे सर x का वैल्यू हमने 600 निकाला है, 600 गुना में 120/100। ठीक है, ये इसके साथ 6 से कटा, तो 6 के साथ अगर हम 120 का गुनाह करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 720। ये आपका सवाल है, उस संख्या का 120% ज्ञात करें, उस संख्या का 120% होगा 720। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल को देखिए, यहाँ पे कहा गया है पी का, पी प्रतिशत अगर 49 है तो पी का मान ज्ञात करें। क्या कहा गया है, कहा गया है पी का पी प्रतिशत 49 है तो पी का मान ज्ञात करें। पी का पी प्रतिशत कैसे निकालना है, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको ये सवाल में कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको ऐसे लिखना है, को पी लिख लेना है और पी का पी प्रतिशत, यानी पी का पी प्रतिशत, या पहले क्वेश्चन को ऐसे लिख लीजिए पी गुना में पी प्रतिशत, इसका मान दिया है 49। ठीक है, पी का पी प्रतिशत 49 है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये ऐसे आएगा पी गुना में पी 49 को मैं सही से लिख देता हूँ। पी गुना में पी प्रतिशत 49, पी गुना में पी 100 49, ये परसेंटेज की जगह पे हमने 100 कर दिया। पी को हम पी के साथ गुना करेंगे तो ये बनेगा पी स्क्वायर 49, ये बन गया 49। ठीक है, पी स्क्वायर यानी 49 × 100। ठीक है, तो पी स्क्वायर का मतलब बना 4900। अगर रूट पी स्क्वायर हम दोनों साइड रूट करेंगे तो ये आएगा 4900। इससे निकल आएगा पी। अब देखिए यहाँ से आएगा 7 और यहाँ से आएगा 10, तो ये बनेगा 70। ये 49 से निकल के आएगा 7, ये दोनों 0 से निकल के आएगा 100, तो ये बनेगा 70।
तो पी का जो मान है वो हमारे सवाल में कितना आया, वो आया 70। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से एक बार उसके लिए बता देता हूँ, ठीक है। पी का पी प्रतिशत, तो सबसे पहले हम पी लिखेंगे, पी का पी प्रतिशत क्वेश्चन में कितना दिया, 49 है, 49। तो ये आ गया पी गुना में पी बटे 100 इक्वल टू 49। पी के साथ पी का गुना करेंगे तो वो बनेगा पी स्क्वायर, 100 को उधर लेके जाएंगे गुना करेंगे तो ये बनेगा 4900। दोनों साइड हम रूट करेंगे पी स्क्वायर और इधर रूट बन जाएगा 4900, ठीक है। इधर रूट पी स्क्वायर से निकल के आएगा पी, इधर से निकल के आएगा, इससे निकल के आएगा 7, इससे निकल के आएगा 0, तो ये बनेगा 70। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, और आज आपने बहुत सारे नए टाइप्स के क्वेश्चन देखे। ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, ये आपके पी वाई क्यू हैं, एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में। तो अभी तक टोटल हमने 7 क्लासेस अटेम्प्ट कर लिया। इन 7 क्लास में जो भी कराया गया है उसे आप बार 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 प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बना सकता है। नहीं तो एग्ज़ाम हॉल में जाके आप छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे होंगे और जब आप घर पे आएंगे तो आपको लगेगा कि ये गलती आपसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया है। तो इसीलिए आपसे बार बार मेरी दरख्वास्त है कि आप बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस करें। एक ही चीज़ों को आप कम से कम बार बार 7-8 बार प्रैक्टिस करके ही एग्ज़ामिनेशन में जाए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। और आपको जब तक सक्सेस नहीं मिलेगा तब तक हमको नहीं लगेगा कि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मैं आपके लिए कितने बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आता हूँ, कि बहुत मतलब कोशिश करता हूँ कि बहुत ही जड़ तक जाके आपको समझा पाऊँ, ताकि अगर एग्ज़ामिनेशन में भाषा को थोड़ा सा भी बदल दिया जाए तो आप घबराए ना, आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएँ। तो आप देख सकते हैं कि आपको हमारे साथ बने रहना है और आपको कंटिन्यू चीज़ों को इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है। तो बने रहिए इंडिया के नंबर 1 पैरामेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टडी विथ रितेश में। मिलते हैं हम हमारी अगले क्लास में फिर से कुछ न्यू पी वाई क्यूज़ के साथ।